इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के अगले राष्ट्रपति चुने गए। फ्रांस के फैसले के बाद निकई को छोड़ बाकी सभी एशियाई बाजार में मिला जुला कारोबार। निकई में 1.5% की जोरदार तेजी। अमेरिकी फ्यूचर्स में अभी 0.25% की बढ़त। शुक्रवार को S&P 500 नेस्डेक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। एजी सिटी में 15% की तेजी। अनुमान से ज्यादा बड़ा आइशर मोटर का मुनाफा। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 33% बढ़कर पहुंचा 460 करोड़। एवेन्यू सुपरमार्ट ने भी पेश किए शानदार नतीजे। मुनाफा 47% बढ़कर 96 करोड़ 66 लाख रुपए हुआ। आय भी 40% बढ़ी। आ जाएंगे भारत इंफ्राटेल, एबीबी, कैनरा बैंक के नतीजे। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक चौथी तिमाही में करीब 10% बढ़ सकता है भारत इंफ्राटेल का मुनाफा। एबीबी के मुनाफे में दिख सकता है 28% का उछाल। घाटे से मुनाफे में आ सकता है कैनरा बैंक। पांच साल बाद आज खुलेगा किसी सरकारी कंपनी का आईपीओ। हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की मिनी रतन कंपनी हुडको का आईपीओ आज खुलेगा। 11 मई को यह हो जाएगा बंद। प्राइस बैंड 56 से 60 रुपए के बीच। रिटेल निवेशकों को 2 रुपए का डिस्काउंट। मेडिकल उत्पादों के लिए नई नीति जल्द। मेडिकल उत्पादों को दवा से अलग करके नई नीति बनाने की तैयारी। डीपीसीओ 2013 नियमों में बदलाव करने की योजना।